अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा भी उठाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार से मतलब है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत लंबे समय से अपना दावा स्थायी सदस्य के तौर पर पेश करता रहा है, लेकिन इस बार पीएम इस दौरे के दौरान ये मुद्दा उठाएंगे कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। सीधा विकास भदौरिया का रुख करते हैं जो इस वक्त अमेरिका में हैं और पीएम मोदी के इस पूरे दौरे को कवर कर रहे हैं। विकास, क्या खबर है और क्या लगता है कि क्या भारत स्थायी जो उसकी सदस्यता है वो वहां इस बार के संबोधन के बाद मिल जाएगी? ये देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत लगातार इस बात के लिए पिचकारता रहा है कि दुनिया की बड़ी आबादी का हिस्सा भारत में रहता है। ऐसी सूरत में उस आबादी का प्रतिनिधित्व दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होना चाहिए। अभी जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उसमें भारत की दावेदारी के पक्ष में कई देश हैं, लेकिन चीन उस पर लगातार वीटो करता रहता है, इस मुद्दे पर बातचीत आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन भारत जब प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे तो उस दौरान उनका कोरोना के प्रबंधन, कोरोना से भारत दुनिया को क्या सिखा सकता है, इसके अलावा आतंकवाद का मुकाबला और सुरक्षा परिषद से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार पर उनका फोकस होगा। और सुधार से सीधा सीधा मतलब है कि भारत को स्थायी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की दी जाए ताकि उसके अधिकार बढ़ें, क्योंकि भारत का जो दबदबा है दुनिया में बढ़ रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आता है, लेकिन तमाम दूसरे देश वीटो करके उसको रोक देते हैं, और भारत ये अधिकार हर सूरत में हासिल करना चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में इस पर भी फोकस रखेंगे। शिखा जी, विकास, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए पीएम अपनी बात आगे रखेंगे और इस दौरे पर हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिलेगा एबीपी न्यूज पर नमस्ते अमेरिका पर। बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।